नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भोजपुरी के एक डायरेक्टर को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया है, तो दोस्तों आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा दिए होते या भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़ा किए होते तो घमंड करते तो चलता कि हाँ भाई इन्होंने बड़ा किया है तो इनके अंदर घमंड है। लेकिन फिर भी इनका मानना कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट और सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, इनके आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टर है दोस्तों खेसारी लाल यादव जी के बेस्ट डायरेक्टर, जिनका नाम है दोस्तों पराग पाटिल। इनको बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया है। इनका ये कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अलग और सबसे बड़ी फिल्म बनी है जिसका नाम है बोल राधा बोल। और इनकी एक और पिछली फिल्म चली थी दोस्तों जिसका नाम है संघर्ष, और खेसारी लाल यादव के दम पर ये बहुत ही ज़्यादा इस समय उछल रहे हैं कि भोजपुरी में सबसे बेस्ट डायरेक्टर हम ही हैं। लेकिन अभी इनको पता नहीं कि भोजपुरी में एक से बढ़कर एक डायरेक्टर है। भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों कुछ ऐसे नामचीन डायरेक्टर हैं जो कि भोजपुरी इतिहास में ऐसा ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं जिनको बनाने में इनको शायद 2-4 या 10-20 जन्म लेना पड़े। बोल राधा बोल फिल्म का ट्रेलर आया दोस्तों, इस पर खेसारी लाल यादव के चमचों का कहना है कि ये फिल्म बकरी पर बनी है। तो इस पर दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बकरी ही बकरी पर फिल्म बनाएगा, क्योंकि शेर कभी भी बकरी पर फिल्म नहीं बनाएगा। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की फिल्म में शेर आता है, पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म में शेर आता है, लेकिन इनकी फिल्म में जब बकरी आ गई तो चमचों को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। भाई शेर की फिल्म में शेर आता है और बकरी की फिल्म में हमेशा बकरी ही आती है। फिल्म की स्टोरी दोस्तों एकदम खत्म है, एकदम पुराने जमाने की, इसीलिए दोस्तों ये नौटंकी की जा रही है कि शायद फिल्म चल जाए। पराग पाटिल का दोस्तों ये कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर यही हैं, इनके आगे कोई भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अवगत करा दूं या फिर बता दूं कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों अब तक के सबसे बेस्ट और सबसे सफल डायरेक्टर हैं दोस्तों मंजूर ठाकुर जी, क्योंकि दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में इनके रिकॉर्ड के आगे बड़े बड़े डायरेक्टर पानी भरते हैं, चाहे वह ट्रेलर हो या फिर फिल्म की कमाई का मामला। इनको दोस्तों सबसे ज्यादा घमंड है अपनी फिल्म संघर्ष को लेकर जो कि खेसारी लाल यादव के स्टारडम के दम पर हिट हुई। तो दोस्तों इनका ये भी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं, ट्रेलर के मामले में दोस्तों सबसे आगे हैं मंजूल ठाकुर की फिल्म विवाह। मंजूल ठाकुर की फिल्म विवाह के ट्रेलर को दोस्तों 2019 में रिलीज किया गया था दोस्तों, और इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को दोस्तों अब तक YouTube पर 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और वहीं दोस्तों इनको जिस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा घमंड है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का इस फिल्म से सबसे बड़ा डायरेक्टर बन गया हूं, इस फिल्म का नाम है दोस्तों संघर्ष। इस फिल्म के ट्रेलर को दोस्तों 2018 में रिलीज किया गया था दोस्तों, और इस फिल्म के ट्रेलर को मात्र 17-18 मिलियन व्यूज मिला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह जिसे मंजूर ठाकुर ने डायरेक्ट किया था, ये फिल्म दोस्तों थिएटरों में कमाई के मामले में हो या फिर TRP के मामले में सबसे आगे। और दोस्तों यही नहीं, मंजूर ठाकुर जी भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि छोटे छोटे कलाकारों को भी बड़ा बड़ा स्टार बना दिया है। वो यश कुमार जी की फिल्म एक रजाई तीन लुगाई हो, निरहुआ जी की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी का पूरा सीरीज, या फिर निरहुआ के साथ बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं। और दोस्तों ये प्रवेश लाल यादव के साथ भी फिल्में बना चुके हैं जो कि दोस्तों सुपर डुपर हिट रही। मंजूर ठाकुर जी की फिल्में चाहे वह कमाई के मामले में हो या फिर रिकॉर्ड के मामले में, इनकी फिल्में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर भोजपुरी इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चुकी है, जिनको तोड़ने में दोस्तों इनको 2-4 जन्म लग जाएगा। यानी कि दोस्तों जिनका नाम है पराग पाटिल। रजनीश मिश्रा जी की भी फिल्म दोस्तों जिसका नाम है मेहंदी ला के रखना, ये भी फिल्म दोस्तों बहुत सारा रिकॉर्ड बना चुकी है, लेकिन इनके अंदर कभी भी ऐसा घमंड नहीं आया। और वहीं दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह की एक फिल्म है दोस्तों जिसका नाम है क्रेक फाइटर, जिसे डायरेक्ट किए थे दोस्तों सुजीत कुमार सिंह जी। ये फिल्म भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई थी दोस्तों और कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़े थे, फिर भी दोस्तों इनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है। लेकिन ये दोस्तों अगर खेसारी लाल यादव को इनके साथ से हटा दिया जाए तो इनका भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म नहीं बनाए थे इनको कोई भी जानता भी नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके अंदर घमंड आना भी जायज है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों की इस समय फटी पड़ी है। अगर ये विवाद नहीं करेंगे, और विवादित टीम में तो आ ही चुके हैं, अगर विवाद नहीं करेंगे तो जानते हैं कि हमारी फिल्म चलने वाली नहीं है, तो भाई फिल्म को चलाने के लिए नौटंकी या फिर विवाद तो करना ही होगा। लास्ट में दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इनकी इतनी घटिया सोच को सलाम। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इसी तरह की चटपटी खबरों के डेली अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।